अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भैया कौन जाहिल शायर है कि बेवड़ी बेतरतीब से बड़ी बदतमीजी की शायरी सुना रहा। आप किस खेत की मूली है? अरे भाई हम उस खेत की मूली है जिस खेत के आप थोड़े हुए बैगन हैं। मतलब ये कि इस खाकसार को संतरे नागपुरी के नाम से रुस्वा कर रहे हैं लोग। संतरे नागपुरी से रुस्वा किया है तो क्या मैं संतरे के छिलके छील लूं? भाई मुआफी चाहूंगा, संतरे का छिलका तो हमने बचपन में छील लिया था जी। चाचा जी बहुत बड़े शायर हैं संतरे नागपुरी साहब। ओ बड़ी बड़ी महफिलें लूटी इन्होंने अपने शायरी से। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज क्या कर रहे हैं ये? पिस्तौल से जी। भाई हमने कई महफिलें लूटी हैं और हर महफिल हमें एक तो 2.5 लाख की पड़ जाती है। सुना है आप भी बड़े मयार के शायर हैं, जरा कुछ फरमाइए। हाँ हाँ संतरे साहब ये बहुत कमाल के शायर हैं। क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। बेशक हम भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई दो चार आशार हमें भी सुना दो छमिया। मैं क्या बसंती हूँ जो आप मुझे छमिया कह रहे हैं? चाचा जी आप सुनाइए ना अपनी शायरियाँ सुनाइए। ये भी बहुत बड़े शायर हैं, सुनाइए। ओ तो एक अशार में पेश कर रहा हूँ आपके सामने। कीजिए। ढेर सारे बच्चों के टेंशन कम हो जाते अगर हम रात को अक्सर वक्त पे सो जाते। भाई वाह क्या बात कह दी आपने तो बरखुरदार भाई, बहुत खूब। वाह वाह क्या कमाल की शायरी बोली है। एक शेर हम अर्ज करना चाहेंगे कि इरशाद, प्यार किस्मत है कोई ख्वाब नहीं, ये वो खेल है जिसमें कोई कामयाब नहीं। जिन्हें इश्क की पनाह मिली वो कुछ और लोग थे। क्या बात है। और जिनके रास्ते लग गए उनके कुछ हिसाब नहीं। क्या बात है संतरे नागपुरी साहब। वाह वाह क्या बात कही है। इसी पर मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। लिटाकर उनको हम नीचे सारी रात दबाते रहे, उनके सर के दर्द को हम इस तरह मिटाते रहे। भाई बहुत खूब भाई क्या बात कही है आपने। जो आपने सेकंड नक्शे में जो आपने खुलासा किया है वो बहुत ही लाजवाब है। नहीं तो लोग गलत मतलब समझ लेते हैं इसका। वाह वाह चाचा जी बहुत अच्छा शेर था, बहुत अच्छा। इसी बात पर एक शेर और अर्थ है कि कुछ था उसके होठों पर बेशक जाने क्यों शर्माती थी। भाई वाह बहुत खूब क्या बात कही है। एक दिन हंसी तो पता चला कि कम वक्त कैनी खाती थी। बेहुदा 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 जी। ने कहा मरहबा मरहबा मरहबा। संतरे नागपुरी साहब आप भी तो कुछ अर्ज कीजिए ना। जी आप भी कुछ अर्ज करें। अगर आप इतना इसरार करते तो हम भी कुछ कह देते जी। अर्ज क्या है कि भाई इश्क की बंदूक बनाई। आए हाय 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 हुसन के छर्रे भरे। हाँ का घोड़ा दबाया। क्या कहने लाखों दिल जख्मी किए। वाह वाह संतरे नागपुरी साहब क्या अर्ज किया है, बहुत खूब बहुत खूब। अर्ज किया है जी जी। मोहब्बत ना सही, मोहब्बत ना सही, मुकदमा ही कर दे। तारीख दर तारीख मुलाकात तो हो जाएगी। आए हाय आए हाय आए हाय। अधूरा सा लगता है कि बादल हो और बारिश की फुहार ना हो। भाई भाई क्या बात है, बहुत 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 अच्छी बात, दूर की कौड़ी लाए। अधूरा सा लगता है कि जिंदगी हो और प्यार ना हो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अधूरा सा लगता है जब प्रेशर हो और आसपास
शौचालय ना हो। अर्ज किया है कि बीवी को अपनी पलकों पे बिठा लो, बीवी को अपनी पलकों पे बिठा लो, देखे खुशी उसके गम चुरा लो। जी जी जी, प्यार करो पड़ोसन के सामने उससे इतना पड़ोसन कहे जानू हमें भी फंसा लो। आए क्या बात है मां साहब, बड़ा खिलखिला खिलखिला के बात कर रहे थे। वो हमारी साली साहिब है ना थाईलैंड में, उन्हीं का हाल चाल ले रहे थे। क्या बात है मास्टर, इंटरनेशनल कॉल, आजकल स्कूल में बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर खूब माल छाप रहा है तू है। जी, इंटरनेशनल से याद आया, ये अपने लौंडे थे ना टीका टिल्लू, दुबई जाने वाले थे, क्या हुआ इनका? हमें कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब, वैसे लौंडे मेहनत तो कर रहे थे। लेकिन गलत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो इन लौंडों को अक्सर अरबी गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द मंडराते हुए देखा है। इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। शायद इन लौंडों को मालूम नहीं है, अगर ऐसा कांड वहां किया ना तो शेख लोग उल्टा लटका लटका के मारते हैं। सिर्फ उल्टा ही नहीं लटकाते हैं डॉक्टर, हाथ पैर के साथ साथ जरूरी अंग भी काट देते हैं। अबे छुट्टा नहीं है, आगे जा। लौंडे सही से बैठ जा। बैठ ना पाऊंगे। लेकिन तुम लोग तो दुबई जाने वाले थे ना, क्या हुआ? अरे गुड़िया के खेत में वो दुबई, या दुबई की वजह से ही है ना हमारी जहालत भई है। अरे बैंड बजा दे हमारी सच्चे नासो बेड़ा घर को उस धी के लट सकते नगा। उस भूतनिया वाले ने डॉक्टर साहब हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे मैंने क्या धोखा दे दिया तुमको लौंडे? सबसे ना भैया, आप अपने दिल पर कसम खा कर बताओ कि आपने जो हमें भाषा सिखाई है थी वो सच में अरबी भाषा है थी का? हाँ अरबी थी। वो अरबी ना थी, वो घुइया थी। अरबी भाषा सीखने के लिए गले की अच्छी खासी कसरत करनी पड़े। अरे यार ये सब मुझे पता नहीं है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो अरबी ही थी। अरबी लोग जो है ना जब इंडिया आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, तुम किधर जाती, तुम क्या खाते। अरे भाई ये अरबी नहीं हरबी है। हरबी हरबी, आई लाइक इट। अरे जब अरबी और हिंदी को मिला के जो भाषा बनाई जाती है ना उसे हरबी कहते हैं। तुम क्यों असर में भेड़िए? अबे ओ सड़े हुए अंडों के मुंह वाले लौंडो, मैं तुम लोग की बेवकूफी पे हंस रहा हूँ। अरबी और हिंदी में तुम्हें कोई फर्क समझ में नहीं आता है? अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, अगर हम दोनों को फर्क पता होता ना तो हम दोनों की धुलाई ना हुई होती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।